स्वागत है जी, स्वागत है। राज जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। राज जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। हर तरह काम ही कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी पांचवी गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे। हिमाचल सरकार का है वादा। काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर। ये इनकी पुरानी आदत है। दो चुनाव हारे तब भी किया, विधानसभा के चुनाव हारे तब भी किया, जब जीतते हैं तब कुछ नहीं करते हैं। अभी तो चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारी राज्य की स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक बीजेपी की नहीं हुई थी, क्योंकि पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, अब वो हो गई है। ऐसे कुछ और राज्यों की भी नहीं हो पाए थे। अब कुछ राज्यों की जब पूरी होती तो उसका सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बीजेपी की होगी, प्रधानमंत्री जी भी वहां पर रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और वहां पर चर्चा होगी और चारों के चारों नाम जल्द आपके सामने आएंगे, क्योंकि चारों की चारों सीटें भी भाजपा ही जीतेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो मोदी सरकार की दुनिया में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 48 करोड़ बैंक खाते खोलना, हर गरीब का बैंक खाता होना, बैंक की सुविधा मिलना और 43 करोड़ के लगभग मुद्रा लोन, जो लगभग 27 लाख करोड़ रुपया गरीबों को, जरूरतमंद को व्यापार करने के लिए मिला, वो मोदी सरकार के कारण मिला। एक तो बैंक खाते, मुद्रा लोन, अब बैंक की ब्रांचेस खुलवाने का भी। ये सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग जोल छप्पड़ में है, जो मेडिकल कॉलेज की आपको दिखती है, ये बहुत बड़ी देन मोदी सरकार की है, 400 करोड़ का मेडिकल कॉलेज। तो साथ में बैंक भी हमने पहले कर लिया कि स्थानीय जनता को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और आने वाले जितने लोग अस्पताल तक पहुंचेंगे उनको भी बैंकिंग की सुविधा होगी। तो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा हमारे यहाँ पर खुली है। मैं इसके लिए बैंक के CMD अतुल जी का, हमारे यहाँ के जो प्रबंधक हैं श्री नरेश कुमार गर्ग जी का और बाकी सबका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड समय के अंदर यहाँ पर ब्रांच खोली है और कल भी टिहरा में, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में, एक और ब्रांच खोलने जा रहे हैं।